प्रश्न एक, वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? ए 21,000, बी 22,000, सी 23,000, डी 24,000। सही उत्तर है डी 24,000। प्रश्न दो, रामायण महाकाव्य की रचना ऋषि वाल्मीकि ने मूल रूप से किस भाषा में की थी? ए संस्कृत, बी देवनागरी, सी अवधी, डी तमिल। सही उत्तर है ए संस्कृत। प्रश्न तीन, देवी अहल्या जिसको उनके पति गौतम ऋषि ने शीला बनने का शाप दिया था, उनका उद्धार किसने किया? ए लक्ष्मण, बी भरत, सी श्री राम, डी शत्रुघ्न। सही उत्तर है सी श्री राम। प्रश्न चार, इनमें से कौन से ऋषि थे जिनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था किंतु उन्होंने अपने तपोबल से खुद को ब्रह्मऋषि बना लिया था? ए विश्वामित्र, बी गौतम, सी वाल्मीकि, डी वशिष्ठ। सही उत्तर है ए विश्वामित्र। प्रश्न पाँच, रामायण में हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियों का स्मरण किसने कराया था? ए विभीषण, बी लक्ष्मण, सी जामवंत, डी श्री राम। सही उत्तर है सी जामवंत। प्रश्न छह, कुबेर के पास मौजूद किस विमान को रावण ने युद्ध करके छीन लिया था? ए रोमानिया, बी पुष्पक, सी गरुड़, डी ऐरावत। सही उत्तर है बी पुष्पक। प्रश्न सात, जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था तब किस पक्षी ने उसे रोकने की कोशिश की थी? ए गरुड़, बी जटायु, सी बाज, डी हंस। सही उत्तर है बी जटायु। प्रश्न आठ, माता सीता की खोज में गए हनुमान का रास्ता समुद्र में रहने वाली नागमाता ने रोका था जिसके मुंह में घुसकर हनुमान जी बाहर आ गए थे, उसका नाम क्या था? ए तारका, बी शूर्पनखा, सी सुरसा, डी त्रिजटा। सही उत्तर है सी सुरसा। प्रश्न नौ, हनुमान जी ने लंका में किसके घर को छोड़कर संपूर्ण लंका में आग लगा दी थी? ए विभीषण, बी त्रिजटा, सी कुंभकर्ण, डी रावण। सही उत्तर है ए विभीषण। प्रश्न दस, रामायण में भगवान शंकर किस अवतार में मौजूद थे? ए श्री राम, बी लक्ष्मण, सी हनुमान, डी अंगद। सही उत्तर है सी हनुमान।